मंच पर उपस्थित आदरणीय सुषमा स्वराज जी, आदरणीय अरुण जेटली जी, आदरणीय शांता कुमार जी, आदरणीय अनंत कुमार जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय सिद्धू जी, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस यात्रा के नेतृत्वकर्ता आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राघव लखन पाल जी, मास्टर मोहनलाल जी, पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी एवं पठानकोट की इस धरती पर भारत के कोने कोने से तिरंगे के शान की रक्षा करने के लिए आए हजारों युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये राष्ट्रीय एकता यात्रा साधारण परिस्थितियों में नहीं निकाली जा रही है। आज देश के अंदर आज ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं कि भारत के नौजवानों को तिरंगा फहराने के लिए एक राष्ट्रीय एकता यात्रा का आयोजन करना पड़ता है। मित्रों, इस नदी के ऊपर जहां पर आप खड़े हैं, इस पुल के ऊपर, इस पुल के दूसरी ओर एक अलग प्रकार का भारत बन रहा है। इस पुल के इस तरफ एक अलग प्रकार का भारत बन रहा है। इस तरफ भारत माँ के जयकारे हैं, उस तरफ कुछ भारत पिता के हत्यारे हैं। इसलिए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को ये राष्ट्रीय एकता यात्रा निकालना पड़ रही है। मित्रों, 6 महीने पहले हमने भारत प्रथम अभियान शुरू किया था। उस समय पूरे देश के अंदर एक नई घटना शुरू हुई थी। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी शुरू हुई थी। मीडिया ने लिखना शुरू किया था कश्मीरी युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये घटनाएं पत्थरबाजी पे नहीं रुकी। 63 वर्षों में किसी अलगाववादी का साहस नहीं हुआ था कि वो इस रावी नदी के पुल को पार करके बाकी भारत में आकर के भारत की सत्ता को चुनौती दे सके, भारत की एकता को चुनौती दे सके, भारत की एकता को चुनौती दे सके, भारत की अखंडता को चुनौती दे सके। लेकिन कांग्रेस की सरकारों में मित्रों आज ऐसा साहस पैदा हो गया है। कुछ भाड़े के अलगाववादी, कुछ भाड़े के पत्थरबाजी, कुछ जिलानी, कुछ उमर अब्दुल्ला, कुछ यासीन मलिक सरेआम दिल्ली आते हैं, भारत को धमकाते हैं, एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। इसलिए युवा मोर्चा को राष्ट्रीय एकता यात्रा निकालने की आवश्यकता हुई। मित्रों, आज इस तिरंगा यात्रा को अगर उमर अब्दुल्ला चुनौती दे, अगर यासीन मलिक चुनौती दे तो समझ में आता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि 26 जनवरी को राजनीति का दिन नहीं बनाना चाहिए। अरे आप मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि आपको तिरंगा लेकर के वहां नहीं जाना चाहिए, आपकी यात्रा से अशांति फैलेगी। अरे मनमोहन सिंह, मैं युवा मोर्चा की ओर से पूछना चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के बेटे जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लेकर के नहीं जाएंगे तो क्या इटली का झंडा लेकर के जाएंगे? मित्रों, इस देश में प्रधानमंत्री कमजोर है, इस देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये बेटे, भारत के ये बेटे कमजोर नहीं है। भारत की बिंदी है लाल चौक, उस लाल चौक को कोई अलगाववादी गंदा नहीं कर पाएगा। 26 जनवरी को अनुराग ठाकुर जाएगा और वहां पर शान से ये तिरंगा लहराएगा। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज अजब जमाना आ गया है, आज अजब जमाना आ गया है। अब गीदड़ भी शेरों को ललकारते हैं। लाल चौक से एक अलगाववादी, एक गीदड़ ने हमको ललकारा है। उसका नाम यासीन मलिक है। उस यासीन मलिक का वजन कितना है मालूम है? 51 किलो। मित्रों, जोर से फूंक भी मार दोगे तो उड़ करके कराची चला जाएगा। अरे यासीन मलिक, अरे उमर अब्दुल्ला, ये लाल चौक तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये भारत माथे की बिंदी है, कोई हमको रोक नहीं पाएगा। हो सकता है 26 जनवरी को सूरज पश्चिम से उग सकता है, आसमान भी जमीन तक झुक सकता है, लेकिन भारत के बेटों का ये तिरंगा नहीं रुक सकता है। भारत माता की। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह जो यासीन मलिक की चुनौती है, यह चुनौती सिर्फ अनुराग ठाकुर को नहीं है, यह चुनौती सिर्फ युवा मोर्चा को नहीं है, यह चुनौती पठानकोट के एक एक बेटे को है, यह चुनौती भारत के एक एक बेटे को है, यह चुनौती भारत के स्वाभिमान को है, यह चुनौती पूरे हिंदुस्तान को है, यह चुनौती भगत सिंह के बलिदान को है, यह चुनौती खुदीराम बोस के बलिदान को है। मित्रों, अब बोलो, चुनौती स्वीकारोगे? हाथ उठा के बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आपकी ओर से उस यासीन मलिक को एक जवाब देना चाहता हूँ। मित्रों, आपकी ओर से यासीन मलिक को एक जवाब देना चाहता हूँ। अरे सुन ले यासीन मलिक, जितनी गोलियां हो बंदूकों में भर के रख लेना,
कम पड़े तो अपने आका पाकिस्तान से मंगा लेना। 26 जनवरी को दुनिया देख लेगी कि तेरी गोलियों में दम है या हमारे पास सीने, हमारे सीने में ताकत ज्यादा है। मित्रों, ये सीने वहां जा रहे हैं, ये गोलियों से नहीं डरने वाले हैं। और इस देश को कमजोर सरकारों के भरोसे मत छोड़ो। ये सरकार मनमोहन सिंह जैसे लोगों के भरोसे चल रही है। देश को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, इसलिए इस चुनौती का जवाब देने के लिए हमने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली है। कोई इस यात्रा को रोक नहीं पाएगा। दुनिया देख रही है, पूरे भारत का सम्मान, भारत का साथ हमारे साथ है। भारत के लगाव की यात्रा है, भारत के त्याग की यात्रा है, भारत के बलिदान की यात्रा है। मित्रों, आप सबने यहाँ पर आकर के हमारा मनोबल बढ़ाया है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत माता की वंदे, वंदे। पीछे तक सभी हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता की। लाल चौक जाएंगे। मित्रों, मनोरंजन मिश्रा जी का बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी भाषण, बहुत प्रेरणादायी भाषण रहा। मैं भाषण की इस कड़ी में आगे आमंत्रित करता हूँ पंजाब विधानसभा में हमारे दल के नेता और कैबिनेट मिनिस्टर जो व्यवस्थाओं में यहाँ लगे हैं पिछले कई दिनों से, श्री मनोरंजन कालिया जी आए और इस तरुणाई को संबोधित करें। मनोरंजन कालिया जी, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान लोकसभा में विपक्ष की नेता बहन सुषमा स्वराज जी, श्री अरुण जेटली जी, नेता विपक्ष राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पंजाब के प्रभारी श्री शांता कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार जी, श्री जेपी नड्डा जी, श्री धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी, राष्ट्रीय सचिव नवजोत सिद्धू जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, मास्टर मोहनलाल जी, नामों की तफसील में ना जाता हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उपस्थित नौजवान साथियों, पहले मैं अपनी बात कहने से पहले दो चार नारे बुलंद करूंगा। लाल चौक जाएंगे, लाल चौक जाएंगे, लाल चौक जाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। साथियों, जहां हम आज इकट्ठे हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक जगह है, ये इतिहास का चश्मदीद गवाह है। ये जो पुल, माधोपुर का पुल, 11 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी पुल से गए थे कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। एक नौजवान, भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वहां से गए थे। और अनुराग ठाकुर जी आज उसी पुल से गुजर के जाएंगे। और साथियों, मनोरथ क्या है? राष्ट्रीय एकता यात्रा के तिरंगा फहराना है लाल चौक पे, लाल चौक पे
60 साल आजादी को हो गए, 60 साल से ज्यादा आजादी को हो गए, लेकिन आज भी तिरंगा फहराने के लिए यात्रा निकालनी पड़ रही है। तिरंगा फहराना भारत के किसी कोने में ये हर एक नागरिक का अधिकार है। ये अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, उस पे मोहर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई है कि हर एक नागरिक जहां चाहे जाके तिरंगा फहरा सकता है। लेकिन साथियों, केंद्र की कांग्रेस सरकार कह रही है कि शांति भंग होगी, अमन चैन खराब होगा। साथियों, 1947 से पहले भी शांति थी, इस देश में अमन चैन था, पर लाल किले पर यूनियन जैक था और हुक्मरान महारानी थी। हमने उस शांति को तोड़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले तोड़ा और उस शांति को स्वाधीनता संग्राम बना दिया और देश आजाद करवाया 1947 में। साथियों, आज चाहिए तो यह था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कहते हैं कि अनुराग जी आप जा रहे हैं, मैं आपके साथ चलता है, मैं चलता हूं। उमर अब्दुल्ला को कहना चाहिए था कि मैं चलता हूं, आइए लाल चौक पर हम तिरंगा फहराते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि ये केंद्र की सरकार किसकी तरफ है? ये नेशनलिस्ट फोर्सेस की तरफ है, राष्ट्रभक्तों की तरफ है, या कि जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं? और साथियों, ये तिरंगा जो इस यात्रा से राष्ट्र भावना पैदा हुई है, ये भावना, राष्ट्र भावना लाल चौक पर तिरंगा फहरा के रहेगी। और साथियों, इन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो अगर कोई रोकेगा तो ये मुंह की खाएगा, देश इसको कभी माफ नहीं करेगा। और साथियों, कि आज मैं पंजाब आने पर इन सब का स्वागत करता हूं और हम संकल्प लेते हैं कि आइए हम सभी चलेंगे वहां और तिरंगा फहराएंगे, लाल चौक जाएंगे, तिरंगा लाल चौक जाएंगे, लाल चौक जाएंगे, लाल चौक जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनोरंजन कालिया जी का। मित्रों, आप सभी लोगों ने मीडिया के माध्यम से कल देखा होगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व कल दिल्ली से हवाई जहाज से चला और जम्मू के एयरपोर्ट पर उतरते ही उनको वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया, और इतना ही नहीं, उनके फोन ले लिए गए, संपर्क नहीं करने दिया। मित्रों, ये वो क्षण था, श्रीमती इंदिरा गांधी के उस आपातकाल की याद कराता है जो इंदिरा गांधी ने इस देश पर भर अत्याचार किया था। उसके बाद बहन सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार जी जब पंजाब की सीमा में प्रवेश किए तो आपने चेतावनी दी कि उमर अब्दुल्ला को और मनमोहन सिंह को यदि ये लगता है कि हम रुक जाएंगे तो हम नहीं रुकेंगे। कल हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लाल चौक के लिए कूच करेंगे और आज हमारा नेतृत्व उपस्थित है, हमें गर्व है इस बात का। मित्रों, मैं इस भाषण की कड़ी में आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, अमृतसर से सांसद, प्रख्यात क्रिकेटर गुरु नवजोत सिंह सिद्धू जी को आए और तरणाई को आंदोलित करें।